मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे एक बात बड़ी खुल करके कह सकता हूँ कि 6 महीने के बाद पूरे प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का इतना बड़ा संगठन होगा, आप जैसे साथी सब हम ये बात कहेंगे कि पार्टी का संगठन पहले से बड़ा हुआ है, मजबूत हुआ है। प्रदेश में अगर कोई सरकार के गलत निर्णयों का विरोध कर सकता है, लोगों को न्याय दिलवा सकता है, तो वो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हो। कांग्रेस ने 3 महीने में केवल अखबारों में खबरें छपवाई है। मुझे बता दो, धरातल पे कांग्रेस ने सरकार का कहाँ विरोध किया है? धान का बहुत बड़ा घोटाला है, मंत्रियों के खिलाफ बड़े बड़े आरोप लगे हैं, जो एक्स मिनिस्टर्स हैं उनके नाम लेकर के आरोप लगाए गए। इन्होंने जाकर के गवर्नर को भी मेमोरेंडम नहीं दिया आज तक, कहीं डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के आगे जाकर के विरोध नहीं जताया इन्होंने। विपक्ष का काम ये थोड़ा है कि केवल अखबार तक सीमित रहे, सरकार को मजबूर करे, जिन लोग गलत काम कर रहे हैं, जिनके खिलाफ आरोप लग रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए मुख्यमंत्री से मिले, इसके लिए गवर्नर से मिले। लेकिन यहाँ तो केवल बैठ करके अखबार में बयान दे करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है। पहला अभियान तो चलाऊंगा चिट्टे के खिलाफ। इस सरकार ने 100 दिन में अपनी तरफ से बहुत सारी उपलब्धियां बताई, लेकिन जो प्रदेश जिसमें कभी दूध दही की बात होती थी, आज कहीं चले जाओ नशे की बात होती है, चिट्टे की बात होती है। सरकार ने उसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किए, उसके लिए मुख्यमंत्री ने नहीं बताया कि हमने इस 3 महीने में क्या काम किया। इस 3 महीने में तो हरियाणा 1 नंबर पे ला करके खड़ा कर दिया अपराध के मामले में, नशे के मामले में। अगर नशा बढ़ेगा तो अपराध बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, तो फिर मान करके चलो जहाँ भ्रष्टाचार बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, जहाँ नशा बढ़ गया, वहाँ उपलब्धियाँ क्या होगी? तो बर्बादी है।